भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 73 पहुंच गई है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार लगातार हर राज्य सरकार से संपर्क में है और हर रोज डिटेल रिपोर्ट साझा की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से विदेश से भारतीयों को लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार की तरफ से 30 से 40 हजार लोगों पर नजर रखी जा रही है। केरल में जब शुरुआती 3 केस आए तब से हम राज्य सरकार के संपर्क में हैं। हर राज्य शाम को पूरी जानकारी केंद्र के साथ साझा करता है। कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार कड़े कदम उठा रही है। भारत में कोरोना के मामले 60 पार कर गए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने 15 अप्रैल तक विदेशियों का वीजा सस्पेंड कर दिया है। कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने 15 अप्रैल तक विदेशियों का वीजा सस्पेंड कर दिया है। आज थर्मल स्क्रीनिंग में भी मैं नेगेटिव हूं, तो भी संभावना है कि 14 दिन के अंदर अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड के बीच में हूं तो मैं कभी भी सिम्टम डेवलप कर सकता हूं। इसलिए जिसके संदर्भ में कोई भी डाउट होता है, उन सारे लोगों की डिटेल्ड जानकारियां देश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाई जाती हैं। और इस समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे हर समय 30 से 35 हजार लोग देश में हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में है, जिनके ऊपर उनके एक एक मूवमेंट के ऊपर वॉच किया जा रहा है। यानी ये जो आपको पॉजिटिव केसेस, मान लीजिए कोची से निकल के गया और वो 4 दिन बाद पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई स्क्रीनिंग को छोड़कर चला गया वहां पे। इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी सर्वेलेंस इतना स्ट्रांग था कि उसको 4 दिन के बाद भी पॉजिटिव करके हमने आइसोलेट कर लिया गया। इस संदर्भ में मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि केरल सरकार ने जब पहले 3 केसेस आए उसमें सारी हमने हर विषय के ऊपर डिटेल्ड गाइडलाइंस वी आर शेयरिंग विद ऑल द स्टेट्स डेली वी आर टॉकिंग टू ऑल द हेल्थ सेक्रेटरीज, वी आर इन टच विद ऑल द मिनिस्टर्स आइदर ऑन द टेलीफोन और थ्रू ऑल पॉसिबल मीन्स, और रोज शाम को हमको हर स्टेट से डिटेल्ड उनकी दिन भर की हेल्थ रिपोर्ट आती है, जिसमें इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर वो हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देते हैं ये जो पॉजिटिव केसेस, और इन एक एक पॉजिटिव केस का फर्दर उनके डिटेल्ड कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की जाती है। एक एक केस के 162 200 तक 250 तक 150 तक इतने कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको भी फर्दर टेस्ट करके उसमें से भी कोई भी जो भी उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसलिए ये आप में से किसी को भी गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि स्क्रीनिंग में कोई लैप्स है। मैंने स्वयं दिल्ली के एयरपोर्ट पे जाके 3 घंटा लगा के उसका एक एक जब 4 फ्लाइट भी एक साथ आ जाए तब भी क्या कोई मिस होने की संभावना है, उसको भी हमने पूरा डिटेल में असेस किया है। और खाली स्क्रीनिंग में अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है पॉजिटिव जो है 2 दिन के बाद नहीं हो सकता। ये हमारे जो पहले 7 एयरपोर्ट हमने 17 जनवरी को जिनके ऊपर स्क्रीनिंग शुरू की थी उसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और कोची इज अमंग्स द फर्स्ट 7। टुडे वी आर डूइंग इट ऑन 30 एयरपोर्ट्स और 30 एयरपोर्ट्स पे अभी हम सारे दुनिया की फ्लाइट्स के बारे में कर रहे हैं। इसलिए स्क्रीनिंग के संदर्भ में आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.